सो ये हमारा 12वां एडिशन है। 250 से ज़्यादा ब्रांड्स एग्जिबिट हो रहे हैं ये शो में। एक साउथ एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी शो हो गया और जिस हिसाब से देखिए ये शो में इस साल 7,000 से ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। तीन दिन में आने की गुंजाइश है। 50 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नॉलेज सेशंस करने वाले हैं। हमने इनोवेशन जोन की बनाया है, हमने यहाँ इस बार स्टार्टअप पवेलियन किया, जैसे बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हैं। कुछ अवार्ड्स हो रहे हैं शाम को, तो ये सेफ्टी और हेल्थ के लिए एक एक बड़ा इवेंट है साउथ एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें हम ये इंडस्ट्री को फोकस में लाने के लिए हमारी बहुत सारी बड़ी प्रयास होती है। गवर्नमेंट से आई वेडिस से हमारे एसोसिएशन पार्टनर मैनुफैक्चरर्स सामा जो है वो है। सो एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी पे साल में एक बार बड़ा फोकस होता है। सेफ्टी और हेल्थ को लेके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं लगाई हुई है। तो इंडिया को इससे कितना बेनिफिट्स हो रहा है जो नए मार्केट्स में जो आ रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक ये एक इवॉल्विंग सेक्टर है। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी से बहुत पुराना कंसेप्ट है, 64 years बैक सुना है एसोसिएशन है, तब से ये उस पर फोकस हुआ था। बट अभी जो है जो लेबर लॉज आ रहे हैं उसमें और एक ज़्यादा प्रयास उसके ऊपर फोकस हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन फोकस हो रहा है। सो ये इंडस्ट्री $18 billion की इंडस्ट्री हो रही है बाय 2030। सो मेजर फोकस इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो इंडिया से भी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। सेफ्टी एक नेसेसिटी है, सेफ्टी कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं करने से भी हमारा काम चलेगा। इट इज़ अबाउट सेफ गार्डिंग हमारे प्रॉपर्टीज़ को, हमारे एसेट्स को, पीपल को। तो सेफ्टी को हमें बहुत सीरियसली लेना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने घरों के लिए, ताकि और वो यहाँ पे आकर उनको उसके हम ऑप्शंस अवेलेबल करते हैं। हमारा काम है जो पूरी कम्युनिटी है उसको इकट्ठा करना, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट दुनिया भर में बन रहे हैं और इंडिया में बन रहे हैं हम उनको यहाँ लाते हैं। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मैनेजर्स, सेफ्टी हेड्स आकर इस शो को अटेंड करें, ताकि उनको अच्छा ऑप्शन मिले ये देखने के लिए कि वो क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर, 60 मिली की टावर खड़ी हो जाए, 50 मिली टावर खड़ी, सेफ्टी को लेकर बहुत ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है? क्या आप 60 क्या बोला? बड़े बड़े टावर्स और बन रहे हैं, जो मॉल्स बन रहे हैं, तो सेफ्टी को लेकर क्या नए टेक्नोलॉजीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? करेक्ट। तो इस एग्जीबिशन में अगर आप देखेंगे तो जो भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, हम लोग उसको हेड टू टो सेफ्टी बोलते हैं, राइट? महेश जी, आप यू नो यू कैन ऐड। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे इस एग्जीबिशन? हमारा जो कंसर्न है, जैसे मैंने पहले बताया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स 1963, इसका जो फैक्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग, उनमें इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों का डिपार्टमेंट करता है। और ये जो एग्जीबिशन है इनफार्मा मार्केट साइन, जो उनके मतलब साथी है जैसे सामा है, मार्ग है, और जो लोकल कुछ एसोसिएशन हैं, उन्होंने सब मिल के ये एक जगह पर, जैसा कहते हैं ना कि वन टॉप सॉल्यूशन, तो जैसे सर ने बताया कि 250 अलग अलग ब्रांड और अलग अलग एग्जीबिटर ये एक ही रूप के अंदर, और उसके अलावा ऐसी कंपनी इसको लेकर क्या करना चाहिए? कुछ कंपनियां हैं जो अपने वर्कर्स जो है उनका ध्यान नहीं रखती हैं, काम तो लेती हैं उनसे लेकिन सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती, ऐसे लोगों को क्या एक संदेश देंगे इस मंच से? ऐसी कंपनी को मैं एक तरह से ये संदेश दे दूंगा जो दैतले साहब ने पहले भी बोला है हमें, कि आप वो सेफ्टी का प्रोडक्ट नहीं देने में जो पैसा आप बचाना चाहते हैं, लेकिन उससे जान जाने के बाद जो आपको खर्चे होंगे वो कई गुना ज़्यादा होंगे, और उसका जो पश्चाताप होगा वो तो आप पैसे से भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही संदेश उनको देना चाहूँगा। एक और एक मैं बात करूँगा कि किसी ने पूछा कि टावर्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में आप क्या देख रहे हैं, सुधारण क्या हो सकती है? तो हमारे यहाँ अगर आप एग्जीबिशन में घूमेंगे तो
आप देखेंगे कि स्कैफोल्डिंग्स बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं। पहले लोग प्रॉप्स या बाकूस यूज़ करते थे।